हे फ्रेंड्स, हाय। तो आज हम बनाने वाले हैं घर पर दो लोगों के लिए पनीर लबाबदार, जिसकी परफेक्ट क्वांटिटी आज मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। और आप इसे देखिए और ज़रूर ट्राई करें। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आपको घर पर ही मिलेगा। और ये पनीर लबाबदार को बनाने के लिए हमें ये सभी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। और ये मैंने लगभग दो लोगों के लिए तैयार किया है, तो आप क्वांटिटी उसी हिसाब से ले सकते हैं कि घर पर बिल्कुल अच्छे से बना सकें। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। ये आपको लेना है रेड ग्रेवी जो हम लोगों ने तैयार की थी, इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, आप इसे देख सकते हैं। ओके, तो ये रेड ग्रेवी है। ये टमाटर आधा है, हाफ मीडियम टमाटर और 1 ऑनियन, ये दोनों बारीक चॉप है। ओके, और अब हम ले रहे हैं यहाँ पे जीरा आधा चम्मच और साथ में एक तेज पत्ता। नमक लिया है मैंने आधा चम्मच, आप टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं कम ज़्यादा। धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, रेड मिर्च, तो इसको आप देगी मिर्च, काश्मीरी मिर्च कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, हाफ टी स्पून। ये कसूरी मेथी 1 टी स्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टी स्पून, और ये गरम मसाला है हाफ टी स्पून। ये बारीक कटी हुई धनिया पत्ती है। ओके, डेकोरेशन के लिए काम आएगी। और ये मैंने लिए हैं पनीर के क्यूब्स, तो ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने इसमें 8 पीस लिए हैं लगभग। और साथ ही साथ पनीर लबाबदार के लिए हमें सबसे ज़रूरी है मलाई, तो ये मैंने मलाई यूज़ की है। तो अब हम तैयार करते हैं और चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ। तो फटाफट से पनीर लबाबदार तैयार करने के लिए सबसे पहले हम पैन एक चढ़ा रहे हैं, और पैन चढ़ा के साथ ही हम इसमें लगभग 2 टीस्पून ऑयल डालेंगे। ठीक है, ये देखिए लगभग 2 टीस्पून ऑयल मैंने लिया है। ये दो लोगों के हिसाब से आप कंफर्टेबल होके इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। ओके, ऑयल हल्का गर्म हो गया, तो अब हम इसमें तेज पत्ता और ये जीरा जो मैंने लिया था वो ऐड कर रहे हैं। और अब जीरा के साथ ही साथ हम पहले ऑनियन को डालेंगे। ये ऑनियन हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, फ्लेम मैंने हाई रखी है क्योंकि हमें इसे फटाफट सेकना है। और ये हल्का जब सीख जाएगा ना गोल्डन ब्राउन होगा, बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, ये बहुत लाइट सेकना है आपको। 15-20 सेकेंड में ये हल्का भून जाता है। ये देखिए हल्का सा ये सीख गया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट हो चुका है, अब हम इसमें टोमेटो ऐड करेंगे। और अभी इसे अच्छी तरह से मिक्स करने देना टमाटर को, तो टमाटर अच्छे से सीख जाए, क्या बोलते हैं, पानी छोड़ना, पानी छोड़े। इसके लिए हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं, और नमक ऐड करके मीडियम फ्लेम में या हाई फ्लेम में जिसमें आप कंफर्टेबल हो कि आपके लिए टमाटर और प्याज किसके हैं, तो आप इसको हल्का हल्का ऐसे चला सकते हैं। ये बस 20 सेकेंड में फटाफट तैयार हो जाएगा और बहुत टेस्टी बनता है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। ये देखिए ये टमाटर प्याज इससे से सीख चुके हैं। और टमाटर प्याज सीखने के बाद मैं ग्रेवी ऐड कर रही हूँ, तो ग्रेवी में आपको क्वांटिटी दिखा देती हूँ। मैंने स्पून ये वाला लिया है, और इसमें 1, 2, 3, ये तेज पत्ता है जो हमने ग्रेवी बनाई तो ऐड किया था वो, ये 4। ओके, और ये लास्ट, तो लगभग 4.5 है ग्रेवी, ये मैं पूरी यूज़ कर रही हूँ। और अब इसे चला देते हैं। पनीर लबाबदार के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमको रेड ग्रेवी। वेज ग्रेवी ऑप्शनल है, होती है तो हम यूज़ कर सकते हैं, और ऐसा बहुत ज़रूरी नहीं है। हाँ, रेड ग्रेवी आपको बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अब ये हमने ग्रेवी डाली, और इसके साथ ही साथ हम ये धनिया, देगी मिर्च, गरम मसाला सब मिक्स करेंगे।
लवाबदार जो होता है, लवाबदार नहीं होती है, स्मूदनेस जो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि ये थोड़ा सा स्मूद हो। और इसे स्मूदी बनाने के लिए इसमें 1 टेबल स्पून बटर ऐड कर रही हूँ। ये अब ये 1 टेबल स्पून बटर ऐड हो गया। और इसमें फाइनल जो प्रोसेस होता है लवाबदार का असली मज़ा, तो वो असली मज़ा आता है इसमें मलाई में। और मलाई की क्वांटिटी भी मैं आपको बता देती हूँ, मलाई इसमें ज़्यादा यूज़ होती है तभी लवाबदार का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मेन इसमें मलाई का ही होता है। ये मैंने पहले लिए 2 टेबल स्पून। अब इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कलर देखिए पूरा चेंज हो गया हमारी ग्रेवी का। बस इसी तरह से आपको डाल के इसे फ्लेम में बहुत अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। और इसी के साथ में हम कसूरी मेथी ऐड कर रहे हैं। ये देखिए अब ये इस तरह से जब बॉईल होने लगता है इसका मतलब ग्रेवी तो हमारी तैयार हो चुकी है। रेड ग्रेवी हमने पहले ही तैयार कर दी थी। तो ये देखिए हमारी टोटल प्रोसेस 10 से 15 मिनट में कंप्लीट और लवाबदार तैयार है। और अब हम इसमें लास्ट में पनीर ऐड कर रहे हैं। पनीर चाहिए तो मैरिनेट भी कर सकते हैं। और वैसे लवाबदार में जनरली हम जो रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हैं तो उसमें प्लेन पनीर ही ऐड होती है, और कैप्सिकम या जो भी वेजिटेबल है वो आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। बट मेन लवाबदार में पनीर ही होता है और वो भी प्लेन यूज़ होता है, और मैरिनेट आप कर सकते हैं चाहे तो। ये देखिए बस ये हमारी पनीर लवाबदार तैयार है। दिख तो ये बहुत अच्छी रही है। और अभी से मैं आपको सर्व करने का भी तरीका बता देती हूँ। ओके, ये मैंने जो कोरिएंडर लीव्स यूज़ की थी पहले मैं इसे थोड़ी सी इसमें मिक्स कर रही हूँ। अब हम इसे सर्व करेंगे। क्योंकि ये पनीर लवाबदार मैंने 2 लोगों के लिए तैयार किए तो ये मैं आपको बताती हूँ, प्लेट सर्विंग ही बता दूँ कि हमारा 2 लोगों के लिए ये आराम से सफिशियंट है एक एक प्लेट के हिसाब से। ये देखिए 2 प्लेट ये तैयार हो चुकी है। और जब इसे आप सर्व करते हैं तो इसमें इस तरह से आप मलाई से डेकोरेट कर देंगे। डन। आप चाहें तो अदरक के टुकड़े भी डाल सकते हैं और साथ ही साथ ऊपर से धनिया पत्ती डालेंगे। तो लीजिए ये हमारी पनीर लवाबदार तैयार है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें घर पे फ्रेंड्स, ये बहुत टेस्टी बनी है। और आराम से आप इसे घर की क्वांटिटी के हिसाब से बिल्कुल ऐसे ही आप अंदाज लीजिए, और आप इसे कम ज़्यादा करके घर पे बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी ग्रेवी और ये पनीर लवाबदार सब कुछ तैयार कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।